नमस्कार दोस्तों, आज हम ये मोटर को लेके आए हैं जो कि कूलर हैवी कूलर की हैवी वाली जो मोटर होती है, जो कि आजकल कूलरों में लगी रहती है, बड़े कूलरों में। तो देखते हैं, सबसे पहले इसे खोल के, ये एल्युमिनियम है या कॉपर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है इसमें वार्निश थोड़ा कम पड़ी है और एल्युमिनियम की अलग ही पहचान है। वायर तो बिना इंसुलेशन निकाले पता नहीं चलता, तो एल्युमिनियम में है। और सबसे पहले इसका डाटा देख लेते हैं, आप देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये कूलर हैवी कूलर की हैवी मोटर है और जो है 1.8 एम्पियर है। 6 MFD का इसमें कैपेसिटर लगा है और जो है 1400 RPM की है ये, 230 वोल्ट। और जो इसका वाट है 270 वाट में है ये। तो सबसे पहले इसे काटते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम एल्युमिनियम से कॉपर में मोटर को कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कोयल को, कभी भी कोई मोटर आती है तो उसकी कोयलों को इस तरह से देख लीजिए, एक मोटा मोटा अंदाज से कि ये किस तरह से बनी है। उसके बाद हमने इसे काट दिया है, एक कोयल को काटा हमने, देखा हम इसका जो मोटर वाइंडिंग का डाटा जो निकलता है वो कैसे निकलता है ये देखेंगे। देखिए, हमने ये एक कोयल काटी है और इसके इसमें जो है ये दो स्लॉट छोड़ के 1/3 का पिच है इसमें और 2/5 का पिच है। और इसमें जो हमारी कोयल है ये एक बार जो है स्टार्टिंग की कोयल है, एक बार और दूसरे में 3 बार ये जो है लिपटी हुई है दो स्लॉट छोड़ के। तो हम इसे निकाल देते हैं, इस वाली को हमने निकाल दिया। अब ये देखिए, ये हमारी सिंगल है और ये जो है, जो सिंगल है हमारी वो दो स्लॉट छोड़ के एक बार चढ़ी थी और जो दूसरी वाली है जिस जो 2/5 का पिच था वो 3 बार चढ़ी थी एक ही स्लॉट में। अब हमारा दूसरा काम ये होगा, जब हम मोटर वाइंडिंग का डाटा निकालते हैं तो ये स्टार्टिंग की कोयल हम देख रहे हैं क्योंकि, तो हम एक कोयल इसकी निकाल देंगे। हो सकता है कि ये जो है, जो हमारी रनिंग की को कोयल है वो भी इसी तरह से लगी हो, और नहीं भी हो सकता। तो ये हमारी हमारे पास लंबाई भी हो गई कोयल की, क्योंकि हमने ये वाली कोयल निकाल दी है, एक साबुत कोयल हमने निकाल दी है, ये स्टार्टिंग की है। अब बाकी हमारे पास जो ये दो और बची हैं इन्हें हम निकाल के अलग कर लेंगे और फिर अपनी जो रनिंग वाली कोयल है उसका भी एक पहले हम देख लेंगे कि ये किस तरह से चढ़ी है और कितने स्लॉट छोड़ के चढ़ी है। तो ये हमने निकाली, एक बार ये हो गया, फिर हम इसे निकालते हैं। ये देखिए, दो और ये 3 बार ये भी चढ़ी है। इस कोयल को भी यार निकालते हैं, कोई है ही नहीं दुकान में, सब एक ही खाने में ये 3 बार चढ़ी है और ये भी दो स्लॉट छोड़ के। अब यहाँ पर रोड देखिए वोड ये मत कितने दिखाना, बार चढ़ा है, जो हमने दिख रहा है 1/3 का इसका पिच है ये, इसको देखेंगे। यहाँ पर ये अलग टाइप से चढ़ा है, इसके लॉक निकाल देंगे, ये दो स्लॉट निलाम छोड़ नमक। के है, ये लॉक हम निकाल देंगे। यानी कि हम जो शुरुआत करेंगे रनिंग की कोयल जब हम डालेंगे तो दो स्लॉट छोड़ के 1/3 का पिच होगा और 2/5 का हमारा पिच होगा। ये दी हमने ये निकाल दी, तो ये देखिए ये 1 बार हमने निकाली और ये 2 बार ये चढ़ी है। यानी कि ये वाली जो है दो खाने छोड़ के पहले में 2 बार और दूसरे में जो है 3 बार चढ़ी है। तो इतना अंतर है
रनिंग की कॉइल में और स्टार्टिंग की कॉइल में। रनिंग स्टार्टिंग की कॉइल जो थी वो पहले में एक बार थी और दूसरे में तीन बार थी, और जो रनिंग की जिसे हम पहले डालेंगे वो पहले में दो बार और दूसरे में तीन बार दिख रही है। अब कॉइल की लंबाई देख लीजिए। इसी तरह से जो है ये कॉइल हमने साबुत निकाली है। अब हम एक रनिंग की कॉइल और एक स्टार्टिंग की कॉइल देखेंगे दोनों में कितना फर्क है। ये देखिए, ये एक कॉइल के बराबर, मतलब कि एक बार जो हम डालेंगे उस इतना फर्क है। एक छोटी कॉइल है और एक बड़ी कॉइल है। ये हमारी जो है नाप के लिए जरूरी है। हमें अपनी मोटर वाइंडिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस मोटर को, इसे एजोस भी कह सकते हैं आप, बड़ा वाला जो है भी एजोस होता है। तो इस एजोस को जो है पांच तरीके से हम बना सकते हैं। गेज इसका कर लेंगे। गेज करने में कोई जल्दबाजी ना करें। एक ही मोटर को हम, इस मोटर को पांच तरीके से बना सकते हैं। अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि हम मोटर वाइंडिंग का पूरा कोर्स आपको सिखा देंगे तो ये सरासर असंभव है, क्योंकि हजारों टाइप की मोटरें हैं और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है मोटर वाइंडिंग की दुनिया में। गेज हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि ये एल्युमिनियम से है। ओह, तो हम इसे जो है कॉपर में बना रहे हैं। एक कॉइल का गेज हमने करा है और अब हम दूसरी का करते हैं। और जो इसका वाइंडिंग, जो इसकी बॉडी में जब हमने शुरू में वाइंडिंग जो इसका बायोडाटा था वो हम एक कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है जो कि इसमें लिखा हुआ है। 1.8 एम्पियर और एम्पियर हो गया और MFD कंडेंसर हो गया, स्पीड हो गई, सब कुछ आपने साइज वगैरह सब एक कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके नीचे आप लिखेंगे, जिससे कि कभी इस तरह की मोटर आती है तो आप इतना सब झमेला करने से बच जाएं। जब तक कन्फर्म न हो आप गेज क्या है तब तक अपनी वाइंडिंग को बिल्कुल भी स्टार्ट न करें। और एक चीज़ यहाँ पर अवश्य ध्यान रखें कि जो रनिंग की कॉइल होती है उसका एक्यूरेट गेज होना चाहिए। स्टार्टिंग में चाहे आप एक दो गेज ऊपर नीचे भी कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन रनिंग का जो हमारा गेज होना चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखें। तो अब इसके बाद इसकी गिनती कर लेंगे। ये गिनती के लिए भी सही है, कोई भी तार टूटी नहीं है। इसका जो गेज था हमारा स्टार्टिंग का वो 29 था और रनिंग का 27 नंबर इसका गेज था। हमेशा स्टेटर को अच्छे तरीके से नाप लें। स्टेटर बहुत ज़रूरी है इसे नापना। आप बॉडी ना नापें, आउटर डाया, इनर डाया, ये सब ना नापें, लेकिन इसकी गोलाई और स्टेटर की मोटाई अवश्य नाप लें। स्टेटर की मोटाई इसकी जो है 32 mm है और स्टेटर की जो गोलाई है वो 75 mm है। तो ये चीज़ें आपने लिख लेनी है अपने पेपर में। स्टार्टिंग का जो गेज था वो हमारा 29 नंबर है और रनिंग का 27 नंबर, और टर्न जो है इसमें रनिंग में 72 हैं और स्टार्टिंग में 90 टर्न। और ये हमने लिख लेना है कि वाइंडिंग की जो स्टाइल है इसकी दो खाने छोड़कर है रनिंग की। अब दो खाने छोड़कर रनिंग की
पहले में 2 बार 1/3 का पिच है और दूसरे में 3 बार 2/5 का पिच है। और इसी तरह से स्टार्टिंग की दो स्लॉट छोड़ के पहले में 1 बार और दूसरे में 3 बार है। स्टेटर की मोटाई हमारी 32 mm है और स्टेटर की गोलाई हमारी 75 mm है। अब रनिंग कोयल की लंबाई हम ले रहे हैं और स्टार्टिंग कोयल की भी ले लेंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग वाली कोयल है। हमेशा जब भी आप जो है कोयल की लंबाई लेते हैं तो क्योंकि कोयल ऐठी हुई होती है, तारें टेढ़ी मेढ़ी हुई रहती हैं, तो हमेशा 2 से 2.5 सेंटीमीटर जो है बढ़ा लें उसे। और इस तरह से हमने नापी। आप जो है कोयल की गोलाई को पूरा नाप सकते हैं और या फिर आप इस तरह से अपने फर्मे में एडजस्टमेंट करके नाप सकते हैं। उसके बाद आप लिख लें स्टार्टिंग कोयल की जो लंबाई थी वो 37.3 सेंटीमीटर और रनिंग कोयल की लंबाई हमारी 47.3 सेंटीमीटर थी। अगला काम हमने जो करना है ये एल्युमिनियम की कोयल है, तो ये हमारी स्टार्टिंग की है, इसका वजन 22 ग्राम है। अब देखिए ये हमने कॉपर से बनाई है, तो हमेशा जो है एल्युमिनियम जो है कि कोयल का तिगुना कॉपर हमारा हो जाएगा। एल्युमिनियम की कोयल हमारी 22 ग्राम थी तो ये देखिए 64 ग्राम इसकी जो है कॉपर की है। और ये हमारी रनिंग की कोयल है 30 ग्राम। अब हम इसे कॉपर में बना रहे हैं तो इसका वजन देख लेंगे 92 आ रहा है, 92 ग्राम हमारी कॉपर की तिगुना जो है हो गया है। तो ये दोनों डाटा हमने रखने हैं, एल्युमिनियम का भी डाटा हमें लिखना है और कॉपर का डाटा भी हमें अपनी डायरी में लिखना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में एल्युमिनियम की बनाना चाहें तो वो डाटा हमारे पास रहे और कॉपर की बनाना चाहें तो वो डाटा हमारे पास रहे। अब इसे बना लेते हैं। कितने स्लॉट छोड़ने हैं वो हमने लिखा है, हम रनिंग की कोयल डाल रहे हैं तो 2 स्लॉट छोड़ के पहले में हम इसे 2 बार घुमा लेंगे। 1 बार हमने डाल दिया, ये 1 बार हो गया। अब इसे दोबारा इस तरह से हम डाल देंगे। एक ही कोयल ये हमने जो है दूसरी दफे इसे डाल दिया। हमें ये जानकारी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के कारोबारी हैं तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हम जिस माल को बेच रहे हैं उसमें क्या लगा है और वो मोटर कैसी है, उसके स्पेयर पार्ट्स की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उससे होगा ये कि ग्राहक को समझाने में जो है काफ़ी सुविधा होती है। अब ये देखिए ये हमारा 2/5 का जो पिच है इसमें हमने इसे 3 बार घुमा दिया, पहले में 2 बार और दूसरे में 3 बार हमने इसे घुमा दिया। 2 स्लॉट हमने बीच में छोड़ी है। आधे घंटे का काम होता है ये, अगर आप 1-2 बार बनाएंगे तो आधे घंटे में बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं सब कुछ सीख गया तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हजारों टाइप की मोटरें होती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने को इसमें मिलता है। कोई भी आपको मोटर वाइंडिंग का पूरा कोर्स नहीं सिखा सकता। तरीके एक ही हो सकते हैं लेकिन हर चीज़ अलग होती है। हमसे पहले के जो ज्ञानी विज्ञानी हैं उन्होंने बहुत सारे आविष्कार करे हैं,
मोटरों में भी अब नैनो टेक्नोलॉजी आने लगी है। तो ये पहली कॉइल हमने डाल दी, अब ये दो स्लॉट हम छोड़ेंगे और इन दोनों में हमारी कॉइल आ जाएगी, जैसे कि 1/3 फिर से शुरू करेंगे और 2/5 फिर से शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम जो है इस मोटर को बनाएंगे। एक ही मोटर कितने टाइप से बन जाती है, इस मोटर को हम कितने ही गेजों से, अलग अलग गेज से, आप 27 नंबर से ना बनाइए, आप 28-30 से भी बना सकते हैं, बहुत आप 25-28 से भी इस मोटर को बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग गेजों से आप इसे बना सकते हैं, आप 26-28 से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन राउंड फिर हमें उस हिसाब से सेट करने पड़ेंगे। तारों का संसार बहुत बड़ा है, तो इस तरह से जो है हम अपनी मोटर को, ये हमारी रनिंग की कॉइल डल गई है, और जो इसमें जो हमारी एल्युमिनियम का वजन रनिंग का था वो 30 ग्राम था, तो कॉपर में उसका 92 हो गया, और एल्युमिनियम में जो स्टार्टिंग की कॉइल थी वो 20 ग्राम थी और कॉपर में जो है वो 64 ग्राम हो गई। इस तरह से तिगुने के आसपास, अब इसको देखो 1-2 ग्राम का फर्क हो सकता है। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता, तो ये सब डाटा हमने इसमें लिखना है। ये 30 ग्राम की जो थी हमारी रनिंग की थी, और ये 22 ग्राम की, 20 ग्राम की हमारी जो है स्टार्टिंग की थी। तो ये डाटा जो है आपने अपनी डायरी में लिख लेना है, स्टेटर की मोटाई और स्टेटर की गोलाई ज़रूर लिखनी है, और बाहर के ढांचे का कोई मतलब नहीं होता है, आप उसे पहाड़ जितना बड़ा ढांचा बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं, हम स्टेटर में काम कर रहे हैं, तो हमें स्टेटर का पता होना चाहिए, उसमें कितना हमारा तार जा सकता है और उसमें कितना गेज है और उसकी लंबाई चौड़ाई, बाकी आप ढांचा तो कितना भी बड़ा बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा मेन जो है स्टेटर है। तो ये सब बायोडाटा आपने लिख लेना है, पहले हमें जो इसकी बॉडी में लिखा था वो वाला बायोडाटा लिखना है, और उसके बाद जो जिस जो हम काम कर रहे हैं वो बायोडाटा हमने लिखना है। अब यहाँ पर जब हम अपनी स्टार्टिंग की कॉइल डालेंगे, तो जो हमने पहले में 2 बार डाला था उसे थोड़ा थोड़ा लॉक को दबा देंगे, इस तरह से 2 स्लॉट हमने छोड़ देने हैं भरे हुए जो हमारे हैं, जिनमें 3-3 बार पड़ी है। अब यहाँ देखो उनको छोड़ के, ये क्यों हमने लिखा है तो हमें काफ़ी सुविधा होगी, स्टार्टिंग की कॉइल पहले में 1 बार और दूसरे में 3 बार। ये इसकी वाइंडिंग स्टाइल होती है, अलग अलग तरीके से जो है होती है ये, तो हमें सारे तरीके का पता होना चाहिए। तो ये हमने पहले में 1 बार डाल दिया और तार बड़े आराम से जा रही है, ऐसा नहीं है, न तो तार जाने में कोई कठिनाई होनी चाहिए और ना ही हमारा
कोर जो है हमारी खाली रहनी चाहिए। ये हमने दो स्लॉट छोड़ के एक बार घुमाया और अब हम जो है जो ये खाली स्लॉट है इसके बगल वाला, इसमें जो है हम तीन बार इसे घुमा देंगे। इस तरह से आप जो है, और एल्युमिनियम में जो है ये ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एल्युमिनियम जैसे इसमें रनिंग का गेज 27 था तो उसे 27 ही रखिए, और कॉपर में भी 27 ही रखिए, और स्टार्टिंग में 29 था तो कॉपर में भी 29 ही रहेगा। वो गेज घटाने या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है उसे। बस हमारा जो वजन है वो तिगुना हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारी पहली कोयल डल गई है। और लंबाई चौड़ाई कोयल की लिख लेना ही बेहतर रहता है, क्योंकि वो अगर लंबाई कम होगी तो वज़न भी कम हो जाएगा, और लंबाई ज़्यादा होगी तो वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है लंबाई पे भी बहुत इसकी ध्यान रखना है। ज़्यादा लंबी कोयल हो जाएगी तो वो स्टेटर से फिर बाहर आएगी, बॉडी से टकराएगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जो है मोटर ट्यूशन के लिए नहीं बुलाया दीदी ने, दीदी नहीं गई है, वो तो आ गई थी शायद, पता नहीं। एक ही मोटर कितने टाइप से बन जाती है, तो एक मोटर बना के खुश नहीं होना है कि हमने बना दिया, क्योंकि हजारों टाइप की मोटरें हैं और इसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिल जाता है। अब इसके कनेक्शन देखते हैं, मोटर बन गई है। इसमें बीच में हमने पेपर नहीं डाला, अभी पेपर या टैप नहीं लगाया है। अगर आप इसमें टैप लगाते हैं तो भारी वाला जो डॉक्टर टैप आता है कपड़े वाला, वो लगा सकते हैं, न कि पेपर वाला, इसमें चलेगा नहीं, पतला हो जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप या तो इसमें जो है डॉक्टर टेप जो आता है कपड़े वाला वो लगा लें, और अन्यथा आप 7 नंबर पीवीसी जो है जो कि हमने इसमें इस्तेमाल किया है उसी को लगा सकते हैं। तो अब इसकी सिलाई कर लेते हैं पहले बैक साइड से, और अगर कभी किसी में जोड़ आ जाता है कोई कोयल में तो उसे अच्छे से जो है कस के आप उसमें स्लिप डाल दीजिए। आप चाहें तो उसमें शोल्डर भी कर सकते हैं, शोल्डर नहीं करते हैं तो उसे अच्छे तरीके से घुमा के स्लिप डाल दीजिए। तो ये हमारी इधर से हो गई है। अब इसके कनेक्शन भी बड़े आसान होते हैं, इसके इंसुलेशन निकाल के जो है पहले इसके स्टार्टिंग की जितने भी तारे हैं 8 तारे हैं, आप सारे कोयल में से 2 निकली है, 2 सिरे,
तो इसे आप ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। तो इसके ए को छोड़ के बी को हमने पकड़ा, ए को छोड़ दिया है हमने, बी को पकड़ा और अगली कॉइल के ए को छोड़ के बी से इसे जोड़ दिया इस तरह से। अब हमने ऐसे ही चलना है। अब इस कॉइल के ए को पकड़ा, ऐसे इसी साइड को चलना है हमने, इस कॉइल के ए को इस अगली कॉइल के ए से जोड़ दिया। फिर हम ऐसे चले, फिर हमने बी को पकड़ा, इस अगली कॉइल के बी से हमने, ए को छोड़ के बी से हमने इसे जोड़ दिया। अब हमारे पास सिर्फ दो सिरे हैं जो कि हमारे रनिंग की कॉइल के बाहर को आ जाएंगे, जिसमें हम अपनी लाल तार लगा देंगे। ये दो सिरे जो हमारे हैं ये हमारे कनेक्शन के लिए हो जाएंगे रनिंग के। इसमें अच्छे से स्लिप डाल के इन तीनों जोड़ों को हम अंदर कर लेंगे इस तरह से। अब जहाँ पर हमारे ये दो सिरे हैं यहीं से हम अपनी स्टार्टिंग की कॉइल का एक सिरा पकड़ेंगे, ए वाला छोड़ देंगे। ये ए हमने छोड़ दिया और बी को पकड़ा, इस बी को अगली कॉइल के बी से, ए को छोड़ दिया और बी को पकड़ा हमने, जैसे हमने रनिंग की कॉइल में कनेक्शन करे थे जस्ट वैसे ही हम क्या स्टार्टिंग की कॉइल में भी कनेक्शन कर देंगे। मॉडल ये पांच में इस तरह से हमने एक ही साइड को चलना है। ए को ए से जोड़ देंगे फिर। इसके बी को इसके बी से हमने जोड़ दिया। रोक दे थोड़ा। अब फिर हमारे पास दो सिरे बचे, बाकी को हमने स्लिप डाल के रख देना है इस तरह से। अब हम दो सिरे जो होंगे उसमें जो है हम अब तो काफी सुविधा हो गई है स्टार्टिंग वाली में। अभी जो एक भी बार आप और कलर कोड बनाना चाहे, हमने लाल काली का बनाया है तो इसमें हम दो रनिंग वाली में लाल और स्टार्टिंग वाली में काले हम जोड़ लेंगे। हैं दिख रहा है और जो हम करंट देंगे वो हम जो है लाइट खोल ले रनिंग वाली में देंगे। एक लाल और एक काली को कॉमन बना के लाल लाल में हमने जो है करंट देना है। तो इस तरह से हम अपनी वाइंडिंग को पूरा कर लेंगे। ये जो मोटर है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, उल्टी घूमती है। तो अगर हमें कनेक्शन फिर पलटना होता है तो अपनी रनिंग की जो लाल वाली तार है उसे आपस में चेंज कर लेंगे। रोक देखें अब एक बार और कर लो। बस इतना ही करना होता है इसमें। अब अच्छे से इन सिरों को एक ही तरफ को निकाल देंगे जिससे कि चार के चार तार हमारे जो है एक साइड को आ जाएं। इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद अब ये सिलाई हो गई तो इसमें वार्निश कर देंगे और एक दो घंटा सुखा के फिर आप इसे बड़े आराम से फिट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे इसकी गोलाई जिससे कि हमारा रोटर न टकराए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये इसमें जो है मोटर वाइंडिंग का डाटा और एल्युमिनियम से कॉपर में मोटर को कैसे बनाया जाता है आपने ये देखा। ये हमारा मेन डाटा है, इसे हमने सबसे पहले उतार लेना है। उसके बाद हमारा जो ये वाला डाटा जिसमें हमने काम करा है जो ये डाटा हमें इसके नीचे लिख देना है। तो
पूरा डाटा अच्छे से लिखना है, मेरी तरह ऐसे किसी विचर करके नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।